पुराणों के अनुसार बुध ग्रह को चंद्र का पुत्र कहा गया है। उनकी माता का नाम रोहिणी है। बुध ग्रह को विज्ञान और अर्थवेद का ज्ञाता माना गया है। उनका विवाह वैवस्वत मनु की पुत्री इला से हुआ था। देवों की सभा में बुध ग्रह को राजकुमार का दर्जा प्राप्त है। बुध की स्थिति अगर किसी भी जातक की कुंडली में शुभ होती है तो उस जातक के बहन, मौसी और बुआ की स्थिति भी अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति सुंदर शरीर वाला होता है। साथ ही साथ बुध की शुभ स्थिति व्यक्ति को चतुर और चालाक बनाती है और व्यक्ति में ज्ञान की अधिकता पाई जाती है। वह हर एक बात सोच समझकर बोलता है और उसकी बातों का प्रभाव भी समाज में साफ साफ दिखाई देता है। ऐसे व्यक्तियों की सूंघने की शक्ति भी गजब होती है। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन काल में नौकरी या व्यापार में किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आती। वहीं अगर किसी जातक की कुंडली में बुध की अशुभ स्थिति बनी हुई है तो व्यक्ति के सूंघने की क्षमता क्षीण हो जाती है। समय से पूर्व ही व्यक्ति के दांत खराब होने लगते हैं। अपने मित्रों और संबंधियों के साथ व्यक्ति के रिश्ते बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। बुध की कमजोर स्थिति व्यक्ति को तोतला बना देती है। बुध की अशुभ स्थिति के कारण व्यक्ति की बहन, मौसी या बुआ की स्थिति भी खराब होती है। केतु ग्रह और मंगल ग्रह के साथ बहुत मंदा फल देने वाले होते हैं। शत्रु ग्रह से ग्रसित बुध भी अशुभ फलों को देने वाले होते हैं। विशेष तौर पर यह व्यक्ति के व्यवसाय और नौकरी को प्रभावित करते हैं और व्यक्ति के संभोग करने की क्षमता को क्षीण कर देते हैं। 12 राशियों में से मिथुन और कन्या राशि का स्वामित्व बुध ग्रह के पास है। यह अपनी ही कन्या राशि में उच्च की अवस्था में होते हैं, जबकि देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में बुध नीच की अवस्था में माने जाते हैं। बुध ग्रह को संचार का ग्रह माना जाता है। सौरमंडल के सभी 9 ग्रहों में बुध ग्रह का आकार सबसे छोटा है। किसी भी व्यक्ति के पढ़ने, लिखने, सुनने, बोलने, खरीदारी, बातचीत और संचार, इन सबके अन्य रूपों का भी प्रतिनिधित्व बुध ग्रह को ही प्राप्त है। जरूरी कागजात हो, समझौते हो, अनुबंध हो, लीज हो और कोडिंग डिकोडिंग के साथ साथ परिवहन और माल ढुलाई जैसे कार्यों में बुध ग्रह का स्वामित्व है। बुध ग्रह साल 2022 में 14 जनवरी 2022 को शाम को 4:42 पर शुक्रवार के दिन मकर राशि में वक्री हो जाएंगे। उसके बाद 4 फरवरी 2022 तक यह इसी स्थिति में रहेंगे। तो बुध के मकर राशि में वक्री होने की वजह से हमारी जो 12 राशियां हैं वह किसी न किसी तरह से प्रभावित होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम इन 12 राशियों में से प्रथम की 6 राशियों के बारे में, जिसमें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि की चर्चा करेंगे। बाकी बची हुई 6 राशियों के बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की अपनी प्रथम राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लिए बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि में वह आपके कर्म के दशम भाव पर वक्री होने जा रहे हैं। इस समय अवधि में आपको अपने करियर के लिहाज से कार्य क्षेत्र पर अपनी पुरानी नीतियों पर ही कार्य करना चाहिए। अगर इस समय अवधि में आपको कार्य क्षेत्र पर अधिक बोझ प्राप्त होता है तो आपको इससे अपनी दूरी नहीं बढ़ानी है, बल्कि उस कार्य को आप लगन और मेहनत के साथ करने की कोशिश करें और एक समय सीमा के अंदर उसे पूरा करने की कोशिश करें। बुध की इस वक्री अवधि में मेष राशि के जातकों को अपने निजी और पेशेवर जीवन में गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इस समय अवधि में आप अपने पेशेवर जीवन में कुछ भी बोलते समय, खासतौर पर सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट करते वक्त कार्य क्षेत्र से संबंधित, आपको सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। वक्री बुध के कारण आपके संबंध आपके पिता के साथ या अपने उच्च अधिकारियों के साथ खराब हो सकते हैं। ऐसे में आपको इस समय अवधि के दौरान किसी से भी बातचीत करते वक्त, संवाद करते वक्त थोड़ी सी अपने आप पर सावधानी बरतते हुए शब्दों का चयन सोच समझ कर करना होगा और संयम को बनाए रखना होगा, जिससे बुध की इस वक्री अवस्था के आपको अशुभ परिणाम प्राप्त न हो। इस वक्री अवस्था को अपने लिए आप शुभ बना सकते हैं। इसके लिए आपको इस गोचर की अवधि में धार्मिक स्थलों पर दूध,
या चावल का दान करना चाहिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। बुध वृषभ राशि के लिए दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि में यह आपके भाग्य के नवम भाव पर वक्री होने जा रहे हैं। इस अवधि में आप लोगों का झुकाव आध्यात्म की तरफ रह सकता है। इस समय अवधि में आपके अंदर कई प्रकार के सवाल जागृत होंगे, जिसे आप ढूंढने का प्रयास करते नजर आएंगे। अगर आप पूर्व से कोई विदेश से संबंधित कार्य कर रहे थे तो आपको उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी, या विदेश से संबंधित कार्य करने वाले जातकों को इस समय अवधि में कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इस समय अवधि में आपको दूसरी संस्कृति में किसी प्रकार का भी कोई कार्य करते वक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। बुध की इस वक्री अवस्था के दौरान आपको अपने भाग्य का साथ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। ऐसे में आपको इस समय अवधि के दौरान अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, बल्कि अपनी मेहनत और लगन पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। बुध की यह वक्री अवस्था आपके स्वास्थ्य में गिरावट लेकर आ सकती है, जिसकी वजह से आपके खर्चों में भी वृद्धि देखी जाएगी। इस समय अवधि में पराक्रम में भी कमी आ सकती है, जिसकी वजह से आपको कार्य क्षेत्र में अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस वक्री अवस्था को अपने लिए शुभ करने के लिए बुधवार के दिन किसी भी मंदिर में हरे रंग के वस्त्र आपको दान करने चाहिए। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए बुध पहले और चौथे भाव के स्वामी होते हैं। इस वक्री अवस्था में वह आपके अनिश्चितताओं के अष्टम भाव में वक्री होने जा रहे हैं। इस समय अवधि में मिथुन राशि के जातकों को शारीरिक सुख में वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इस समय अवधि में आपको किसी प्रकार की भी योजना बनाने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप मानसिक दबाव का सामना कर सकते हैं, या फिर आपको अपने निजी जीवन और पेशेवर जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बुध की यह वक्री अवस्था आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अनुकूल रहने वाली है। अगर आपका कोई पहले से रोग चला आ रहा है, जिसके कारण आप अत्यधिक परेशान हैं, तो उस रोग से भी इस समय अवधि में आपको छुटकारा मिल सकता है। बुध की इस वक्री अवस्था में किसी भी कागजात से संबंधित कार्यों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। खास तौर पर किसी भी पेपर पर आपको हस्ताक्षर करते वक्त उसे अच्छी तरह से सोचना, समझना और परखना होगा। उसी के बाद आप उसमें हस्ताक्षर करने का निर्णय लें। आपके द्वारा की गई लापरवाही से आपको आने वाली अवधि में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अप्रत्याशित व सशर्त प्रस्ताव इस समय अवधि में आपको परेशानी में डाल सकते हैं, इसलिए आपको इस समय अवधि में किसी भी प्रस्ताव, लीज यानी कि किसी भी चीज पर हस्ताक्षर करने से आपको इस समय अवधि में बचना चाहिए। इस वक्री अवस्था को अपने लिए शुभ करने के लिए आपको बुधवार के दिन गणेश जी में दूर्वा अर्पित करना चाहिए। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए बुध तीसरे और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। इस वक्री अवस्था में वह आपके सप्तम भाव यानी व्यापार के भाव पर वक्री होने वाले हैं। ऐसे में इस समय अवधि में आपको कार्यस्थल पर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको अपने दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपका अपने जीवन साथी के साथ या व्यवसाय में साझेदार के साथ संबंधों में खटास देखने को मिल सकती है। इस समय अवधि में आपको इन रिश्तों में सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए और अपने संवाद को आपको संयमित रखना चाहिए। अगर पूर्व से आपके रिश्ते में किसी प्रकार की कोई समस्या चली आ रही है, तो उसे आप इस समय अवधि में सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि आपके पूर्व में चल रहे विवाद को, अगर किसी रिश्ते में कोई विवाद चल रहा है, तो यह समय अवधि उसे सुलझाने के लिए आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाली है। इस समय अवधि में आपको किसी भी प्रकार के कोई व्यावसायिक रिश्ते बनाने से पहले या किसी प्रकार का भी कोई नया व्यापार शुरू करने से बचने की कोशिश करनी है, अन्यथा आपको इस समय अवधि में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस वक्री अवस्था को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए बुध दूसरे और ग्यारहवें भाव के स्वामी होते हैं। इस वक्री अवस्था में रोग ऋण रिपु के छठे भाव पर बुध वक्री गति शुरू करेंगे। वक्री बुध की वजह से इस समय अवधि के दौरान आपके परिवार के सदस्यों के बीच कोई गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, जिसकी वजह से आपका पारिवारिक माहौल खराब हो सकता है। बुध की यह वक्री अवस्था आपके व्यवहार को भी उग्र बना सकती है। ऐसे में आपको किसी भी व्यक्ति से बातचीत करते वक्त
अपनी भाषा पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। अगर आपका कोई कानूनी कार्य चल रहा है, यानी किसी प्रकार के भी कानूनी कार्यों से जुड़ा हुआ कार्य, इस समय अवधि में करना आपके लिए शुभ साबित होगा, उससे आपको फायदा मिल सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो इस समय अवधि में आपको छोटी मोटी समस्याएं परेशान कर सकती है, हालांकि कोई बड़ी समस्या इस समय अवधि में आपको परेशान नहीं करेगी। इस वक्री अवस्था को शुभ करने के लिए घर के छोटे बच्चों को आप कोई उपहार दे सकते हैं। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए बुध लग्न भाव और दशम भाव के स्वामी होते हैं। इस वक्री अवस्था में संतान, रोमांच और शिक्षा के पंचम भाव पर बुध ग्रह वक्री होने जा रहे हैं। इस समय अवधि के दौरान आपके और आपके जीवन साथी के बीच कोई गलत फहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, या अपने संबंधों को बनाए रखने में भी आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और साथ ही व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी इस समय अवधि में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, या व्यवसाय में अपनी पार्टनरशिप बनाए रखने में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको इस समय अवधि में अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए उस बात पर आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। कन्या राशि के छात्र जातकों को भी इस समय अवधि में पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पंचम भाव पर बुध का वक्री होना आपके संतान के लिए भी आपकी चिंता को बढ़ाने वाला होगा। हालांकि यह अवधि आपके पेशेवर कौशल को निखारने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। इस समय अवधि में आप अपने संतान के साथ अभिभावक की तरह नहीं बल्कि मित्र की तरह व्यवहार करें। उनकी बातों को आप ध्यान से सुने और समझें। अगर आप जुआ, सट्टा इस तरह के कोई कार्य करते हैं तो आपको इस समय अवधि में इन चीजों से दूर रहने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ इस समय अवधि के दौरान आपको जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है। इस वक्री अवस्था को शुभ करने के लिए सौभाग्य और सुख की प्राप्ति के लिए आपको गाय की सेवा करनी चाहिए। तो यह थी प्रथम की छह राशियां जिस पर बुध की वक्री अवस्था का प्रभाव पड़ने जा रहा है। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।